असलम गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम लोग करेंगे फोर बेसिक स्टेचेस दीज आर नॉट बेसिक मतलब मगर uh, बिगिनर्स के लिए बहुत ईजी होंगे और उनको स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे थ्रेड्स आप कोई भी कलर का थ्रेड ले सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट है हमें एक लूप चाहिए होगा एम्ब्रॉयड्री लूप उसके बाद हमें एक सेजर चाहिए और हमें फैब्रिक चाहिए तो अब मैं आपको बताती हूँ कि फैब्रिक को सबसे पहले जो है हम लूप में किस तरह लगाएंगे ऑब्वियसली हमें नेडल भी चाहिए अब हम फैब्रिक को आ, इस लूप में किस तरह लगाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ उसको फ्रेम भी कहते हैं लूप भी कहते हैं आपकी चॉइस है आप जो भी कहें अब आप ये देख सकते हैं मैंने एक फैब्रिक को कट करके रखा हुआ ऑलरेडी और ये जो लूप के दो हिस्से होते हैं जो आपका फ्रेम होता है एक जो है ये आपने इस तरह से नीचे की साइड रख देना है और एक जो है वो उसके ऊपर फ़िक्स कर देना है या आप देख सकते हैं मैं किस तरह कर रही हूँ आप इसी तरह एग्जैक्ट करेंगे बहुत इजी है मैंने अपने फ्रेम के ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया ताकि उसका कलर जो है वो फैब्रिक पे ना लगे तो और इजीली फैब्रिक भी जो है वो उसमें स्टिफ हो जाता है अब आप देख सकते हैं कि मेरे फैब्रिक में स्टिफनेस आ गई है और अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने स्टेचेस सबसे पहले हम अपना थ्रेड लेते हैं मैंने ग्रीन कलर चूज़ किया है और अब मैं इसको नीडल में डालूँगी ये आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से नीडल में डाल रही हूँ नीडल में डालने के बाद हमने इसको जो है वो सजर से कट कर लिया है और इसके बाद हम इसके जो नीचे है वो हम इधर एक इसके नाट लगा देंगे डबल साइड पे हम दोनों को नॉट नहीं कर रहे हम सिर्फ सिंगल थ्रेड जो है वो नॉट कर रहे हैं क्योंकि हमें डबल थ्रेड से काम नहीं करना हमें सिंगल थ्रेड से काम करना है टोटली आपकी चॉइस है कि आपको डबल थ्रेड से काम करना है आपको सिंगल थ्रेड से काम करना है अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले चेन uh, स्टिच से जो बेसिक चेन स्टिच होती है या आप इस तरह देख सकते हैं कि आपने नीचे से इस तरह से नीडल ऊपर लेकर आनी है इस तरह से आपने एक ओवल शेप बनानी है और इस तरह से आपने नीडल निकाल के इसको खींच लेना है या आप देख सकते हैं ये एक चेन बन गई है अब नेक्स्ट चेन के लिए हम जो पहले वाला लूप था हमारा उससे हम नीडल निकालेंगे और हम आगे इसी तरह से नीडल को कर लेंगे आप देख सकते हैं जिस तरह मैं कह रही हूँ और ये हमारी जो है वो सेकंड लूप बन गई है अब इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो हमारी लूप्स बनती जाएंगी और हमारी चेन्स बनती जाएंगी ये बहुत ही इजी और सिंपल स्टिच है आप इसको एक दो दफ़ा करेंगे आपको बहुत इजीली करना आ जाएगा या आप देख सकते हैं मैं जिस तरह कर रही हूँ उसी तरह आप भी कर सकते हैं इस तरह से आपने चेन्स चेन्स बनाते जाना है एक चेन से दूसरी चेन निकाल निकाल के ताकि वो कनेक्ट होती जाए और साथ साथ आपकी चेन भी बनती जाए अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से आपको एक करके दिखा रही हूँ आप दोबारा से देख सकते हैं इस तरह से आपने पिछली वाली चेन से अपनी नीडल निकालनी है और अगली चेन में उसको कर देना है अभी हमारा हो चुका है तो हम इसको लॉक लगा देते हैं और अब हम तो स्टार्ट करेंगे क्रॉस स्टिच क्रॉस स्टिच के लिए आपने इस तरह एक लाइन लगा दें क्रॉस के लिए और दूसरी उसी के पैरेलल जो है वो आप लगा देंगे और ये आपका एक्स बन गया ये क्रॉस बन गया अब आपने दूसरे क्रॉस के लिए पिछले क्रॉस से थ्रेड लेना है और आपने इसी तरह आगे कंटिन्यू करना है आपकी चॉइस है अब इसको अब आपने अगर आपको करना आ जाएगा तो आप इसी को बड़े भी अपने क्रॉस बना सकते हैं छोटे क्रॉस भी बना सकते हैं अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से जो है वो अपने क्रॉस बना रही हूँ बीच में एक डायमंड भी बन रहा है ये बहुत इजी स्ट्रेचेस हैं आप कर सकते हैं बिगिनर्स के लिए जिनको नहीं आता किस तरह करना है क्या करना है वो बहुत इजीली सीख सकते हैं और ये देखें अब मैं किस तरह से अपने क्रॉसेस बना रही हूँ ओ मुझसे -ओ, मिस्टेक हो गई है कि मैंने अपना क्रॉस एक छोटा बना लिया जिसकी वजह से नेक्स्ट क्रॉस ख़राब हो जाएगा तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके क्रॉसेस की जो लाइंस हैं वो इक्वल हों ताकि पिछला क्रॉस ख़राब ना हो और आपकी नीटनेस ख़राब ना हो काम करते हुए यहाँ से मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है जिसकी वजह से एंड वाला क्रॉस ख़राब हो गया अब आप देख सकते हैं कि मैं लॉक किस तरह लगा रही हूँ बहुत इजी है जो लोग डरते हैं मुझे भी पहले बिल्कुल नीडल भी नहीं पकड़नी आती थी और मैं आपको सिखाऊंगी कितने इसमें स्टिचेस हैं क्या हैं वो मैं आपको सारे स्टिचेस करना सिखाऊंगी आप बहुत इजीली सीख सकते हैं अब ये बेसिक फोर आप सीखेंगे तो अगर आपका एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आप लोग और स्टिचेस भी सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए और वीडियोज़ भी ज़रूर बनाऊँगी अब हम बनाएँगे ब्लैंकेट स्टिच ब्लैंकेट स्टिच स्टार्ट इस तरह होता है जिस तरह आप क्रॉस स्टिच स्टार्ट करते हैं मगर जब आप सेकेंड क्रॉस निकालते हैं तो आप पहले वाले थ्रेड में से इस तरह से निकाल के और आप इसको एक एल शेप दे देते हैं फिर इसी तरह दूसरा वहीं से स्टार्ट करके उसी सेम लाइन के अंदर आप इस तरह से नीडल निकालते हैं तो ये आपका एल बन गया अब इस तरह एल एल इस तरह आपके जो है वो एक साथ जोड़ते जाएंगे तो आपका ब्लैंकेट स्टिच होता जाएगा आप लोग कहीं भी कर सकते हैं जहाँ भी आपका दिल करे जिस तरह की भी आप एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं अगर आपको लगता है इस तरह सूट करेगा कोई भी कलर्स हों या किसी भी तरह तो आप ये ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह मैंने आपको समझाया या आपको बताया है करने के लिए आप लोगों को मेरा तरीका इजी लगता है या नहीं आपको मेरी समझ आती है या मैं और किस तरह से बेहतर बना सकती हूँ आपको सिखाने के लिए हम आप देख सकते हैं ब्लैंकेट स्टिच बहुत इजी है अगर आप चाहें अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप वहाँ से अपना थ्रेड पकड़ लें जिस तरह मैं पकड़ लेती हूँ और फिर मैं अपना आराम से एल बना लेती हूँ अब यहाँ इसको भी हम लॉक लगा देते हैं और यहाँ ब्लैंकेट स्टिच हो गया है नेक्स्ट मैं आपको शेवरॉन स्टिच सिखाऊँगी शेवरॉन टू टाइप्स के होते हैं मैंने आपको भी एक सिखा रही हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे सिखाऊँगी इस तरह से आपने एक लाइन लगानी है और अब आपने जहाँ स्टिच आपने डाला था वहाँ से आपने एक स्लेट लगा देनी है ये आप देख सकते हैं जैसा मैं कह रही हूँ छोटी सी स्लेट लगानी है और फिर आपने उसी स्लेट के अंदर से अपना थ्रेड निकाल के उसको वी बना देना है ये आपका शेवरॉन बन जाएगा अब आप इसको जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके शेवरॉन्स बन जाएंगे इसी तरह आप स्लिट लगाएं और वो कर दें ये मैं आपको दो तीन बड़े और छोटे शेफरान्स बनाना सिखा देती हूँ ये थोड़ा सा बड़ा है अब हम थोड़ा सा छोटा शेफरान बनाते हैं मगर जब आप करेंगे तो आप एक ही साइज़ का बनाएंगे ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही साइज़ का बनाएं अगर आप किसी इस तरह की जगह रहे करें जहाँ वो थोड़ा वाइड है और फिर आके नैरो हो रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह आप बहुत ईजीली वाइड से नैरो पर आ सकते हैं या आप देख रहे हैं मैं किस तरह से अपने शेवरॉन्स बना रही हूँ बहुत इजी स्टिचेस हैं आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इजी लगा या मुश्किल लगा अब मैंने वो एक शेवरॉन बड़ा बनाया था तो उसकी दोनों लाइंस मैंने सेम बनाई थी अब जो मैं छोटे शेवरॉन्स बना रही हूँ मैं इनकी लाइन्स जो हैं वो सेम बनाऊँगी ताकि आपकी नीटनेस आए आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से रही हूँ सॉरी फ्रेम आउट हो गया इस तरह से आपने स्लेट लगाते जाना है और अपना जो है वो स्टिच कंप्लीट करते जाना है होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगी है और अगर आप और भी स्टिचे सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें उसमें बेल आइकन होगा तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दें उससे ये होगा कि आप जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आप मेरे आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे इजीली अब आप ये देख सकते हैं मैं शेवरॉन स्टिच कंप्लीट हो गया अब मैं इसको यहाँ पे लॉक लगा दूँगी जिस मैंने पहले स्टिचेस पे लॉक लगाया अब मैं इसको भी लॉक लगा दूँगी और ये हमारा स्टिच कम्प्लीट हो गया हम आप ये देख सकते हैं हमने चेन स्टिच बनाया है हमने क्रॉस स्टिच बनाया है हमने ब्लैंकेट स्टिच बनाया है और हमने एक शेवरॉन स्टिच बनाया है मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा देती हूँ तो आपको पता चल जाए किस तरह लगता है ये डिफरेंट कलर्स से आप इसको बना सकते हैं आपको जहाँ भी रिक्वायरमेंट है जो कलर्स आपको पसंद हैं आप इससे कोई अपना पेंटिंग्स में आप इसको एडअप कर सकते हैं हार्म करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपको एम्ब्रॉयड्री आए आप अपनी मर्जी की एम्ब्रॉयड्रीज कर सकते हैं आपके प्लेन ड्रेसेस होते हैं आप उसके ऊपर इजीली जो है वो इस तरह से आप डिफरेंट थ्रेड्स कलर से एम्ब्रॉयड्री कर लें तो बहुत प्यारा लगता है होप यू लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिट सो डोंट गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट थैंक यू सो मच फॉर अल्लाह हाफिज़